नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे दो ऐसी फिल्मों के बारे में जो बहुत ही ज्यादा अपने आप में खास है। कौन सी फिल्म करने वाली है धमाल, आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। बॉलीवुड के लिए साल 2020 की शुरुआत काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। साल की शुरुआत से ही बॉक्स ऑफिस पर कई बड़े बजट की फिल्में एक दूसरे को टक्कर देती हुई नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं, फिल्मों के साथ ही बड़े स्टार भी बॉक्स ऑफिस पर दो दो हाथ करते नजर आएंगे। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट बॉलीवुड की चर्चित जोड़ियों में से एक है, यानी कि एक मोस्ट पॉपुलर कपल है। ये फिल्म जिस दिन रिलीज होगी उस दिन के बाद रणबीर की मच अवेटेड फिल्म शमशेरा भी रिलीज होने वाली है। 30 जुलाई 2020 को रिलीज होगी शमशेरा और ट्रिपल आर, यानी कि रणबीर कपूर अभिनीत शमशेरा और आलिया भट्ट और अजय देवगन अभिनीत ट्रिपल आर बॉक्स ऑफिस पर एक दूसरे को टक्कर देने वाली है। शमशेरा के जो निर्माता हैं उन्होंने फिल्म की रिलीज की डेट की घोषणा कर दी है, जबकि फिल्मकार एसएस राजामौली ने ट्रिपल आर की रिलीज की जो तारीख है फैंस के सामने अनाउंस कर चुके हैं। जो राजामौली हैं वो उन डायरेक्टर में से हैं जो बड़े बड़े फिल्में बनाते हैं और उनकी बनाई हुई हर एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छा कलेक्शन करती है। दमदार किरदारों के साथ भव्य फिल्मों के निर्माण के लिए जाने जाते हैं एसएस राजामौली। भारत में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बाहुबली के बाद अब फिल्म के निर्माता ट्रिपल आर असल जिंदगी में दो नायकों और स्वतंत्रता सेनानियों को एक प्लेटफॉर्म पर लेके आने वाले हैं और जो कहानी है वो अपने आप में एक बहुत ही अच्छी काल्पनिक कहानी होने वाली है। जूनियर एनटीआर और रामचरण की जो लीड रोल है वो आपको ट्रिपल आर में नजर आएगा और कहीं ना कहीं रामचरण के साथ जो आलिया रोमांस करती हुई नजर आएंगी, ये नई केमिस्ट्री लोगों के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं उन्हें साथ में देखने के लिए, जिससे में वो आलिया जो है वो सीता के किरदार में नजर आएंगी। अजय देवगन फिल्म में एक बहुत ही अच्छा प्रोमिनेंट रोल अदा कर रहे हैं। 350 से 400 करोड़ की लागत में फिल्म को बनाया जा रहा है और ट्रिपल आर में भी बाहुबली की तरह एक भव्य और एक बड़ा सेट तैयार किया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अक्षय कुमार की जो फिल्म है मिशन मंगल और बाहुबली फेम प्रभास की मूवी साहू में किसकी जीत होगी, और इसके बाद जो एक महासंग्राम और एक महायुद्ध दोबारा से होगा ट्रिपल आर और शमशेरा के बीच में, जो कि अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो ये बड़ी बड़ी फिल्में जब क्लैश करती हैं तो अपने आप में बात करने में मजा आता है और देखने में मजा आता है कि बॉक्स ऑफिस पर आखिरकार विजय किसकी होगी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप किस फिल्म के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।